चाहते थे, बहुत बच्चे भी चाहते थे, बड़े भी चाहते थे, बुजुर्ग चाहते थे। अभी तो किस तरह का, जो आप अगर आपने ग्राउंड जो आपने किया अभी किस तरह के आपके विचार हैं, वही आपको जो सपोर्ट जैसा लगा सर, आपकी ये मिले थे अभी क्या ग्राउंड से किया आपको क्या 2019 को जब ये मुझे उम्मीदवारी दी नहीं गई, तभी बालासाहेब जी का काम और मेरा काम देख के लोगों ने मुझे 24,000 मतदान किया है। और वो 24,000 मतदान सिर्फ अपक्ष और खड़े रह के, और वो भी 9 दिन के अंदर हम लोग ने प्रचार किया था। तभी तभी सिंबल भी हमें पार्टी का नहीं था, तभी अपक्ष था, इसके लिए हम लोग ने जो बैड सिंबल मिला था हमें, तो वो बैड के ऊपर हम लोग ने 24,000 वोटिंग लिए थे। तो वो 24,000 वोटिंग वो बाला सावंत जी के थे, और बाला सावंत जी ने ये जो कांग्रेस का गढ़ था वो कट के अब शिवसेना का गढ़ बनाया था। और वही बाला सावंत जी को की बीबी को 2019 में जब भी फिर से उम्मीदवारी देने का जब भी चांस आया, तभी उनको वो उम्मीदवारी दी नहीं गई। तो वही अभी 24,000 वोटिंग के लिए, अगर लोगों के लिए भी काम कर रही थी, और वही दो उम्मीदवारों के लिए, ये कार्यकर्ताओं के लिए मैं आज भी काम कर रही हूँ। आपको क्या लगता है अभी इस बार का चुनाव कितना डिफिकल्ट है, दोनों बड़े सत्ता साइड है, निशान सिंह क्योंकि पहले कांग्रेस में थे और अभी फिर एनसीपी से टिकट दी गई है, क्या आपको डिफिकल्ट लग रहा है या ओके है आप? जिशान सिद्दीकी और वरुण सरदेसाई, ये दोनों स्थानिक नहीं है, वो दोनों बाहर के हैं। और जब भी जिशान सिद्दीकी, जिशान सिद्दीकी यहाँ पे जीत के आया, क्योंकि मेरे और शिवसेना के जो कैंडिडेट थे उनके बीच में वो, हम लोग तो जीतने के लिए लड़े थे, मगर नसीब से हम लोग 24,000 तक ही जा पाए। और ये वो भी टाइम कम होने की वजह से हम लोग इतने तक, 9 दिन में हम लोग ने प्रचार किया, वो 9 दिन में 24,000, अगर हम लोग को 15 दिन 20 दिन और भी ये टाइम मिलता तो हम लोग वो भी जीत हमारी ही रहती। वहाँ पे कुछ ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि निशान सिंह आपको मैनेज किया गया है, कुछ ऐसा नहीं, एलिगेशंस पे आप क्या कहना चाहते हैं सब? देखो जब भी इलेक्शन में आप कौन खड़े रहते हैं तो एलिगेशंस तो होते ही है, ऐसे नहीं कि नहीं करते, मगर वो एलिगेशंस करो जो मीन्स सच हो। ऐसे नहीं कि पापा किसी से पैसा, अगर मैं पैसा लेती भी हूँ तो फिर मेरे जो अभी फॉर्म भरा है उसमें तो डिटेल्स आएंगे ना, मैं तो पैसा किधर यूज की हूँ, क्या यूज की, वो सब का डिटेल्स तो मेरे उम्मीदवारी जो भरी है उसमें डिटेल्स आ जाएंगे, आप देख लेना। कि मुझे 2019 में भी वही बोला गया, और अभी 2024 में भी वही दोहराया जा रहा है कि इन्होंने पैसा लिया, इन्होंने पैसा लिया। अरे पैसे के बिना पैसे के हम लोग ये लड़े, तभी तो हम लोग 24,000 वोट तक ये वोट मिले मुझे। और जब भी पैसा रहता था और भी कि लोगों तक, उन्होंने जैसा किया कि पैसा बांट के जीत के आए, तो वैसा हम लोग भी कर सकते थे, मगर ये 24,000 वोट जो मिले हैं मुझे वो टाइम पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ काम के बजट मिले, बाकी किसी के ये नहीं। और बाला सावंत जी ने जो 40 साल शिवसेना को दिए हैं उनके वजह से मिले हैं, वो ग्राउंड लेवल के नेता थे, वो कभी ऐसा नहीं ये करते थे, कभी उन्होंने पार्टी में रह के बहुत अच्छा काम किया है, लोग भी ये करते। और कांग्रेस जैसे उम्मीदवार को उन्होंने हराया है, और यहाँ का गढ़ बनाया है सेने का, और वो ही जब भी सेने का गढ़ बना हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद उनको दूसरे कैंडिडेट याद आने लगे। मैम आपको क्या लगता है कि कितना चेंज होना चाहिए था बैंड्रा ईस्ट में एस बिंग एजिशान एमएलए होने के कारण, और कितना काम अभी तक हुआ नहीं है, और क्या वादे किए गए थे उनसे? वैसे तो लोगों को वादे तो बहुत किए गए थे, मगर एक वादे वैसे भी कोई ये एसआरए के प्रॉब्लम्स है, एसआरए के प्रॉब्लम जहाँ पे सर्वे, अभी फॉर एग्जांपल ज्ञानेश्वर नगर जो है वहाँ पे लोगों को सर्वे नहीं चाहिए, तो उन्होंने स्थानीय एमएलए को कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि ये नहीं, तो वो स्थानीय एमएलए जो
बिल्डर के खिलाफ लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जिनको वो बिल्डर नहीं चाहिए, उनकी उनकी स्टेज पे जाके जिशान सिद्दीकी बैठा था। तो लोगों को यही लोग यही संभ्रम में कि हम जाए तो किसके पास जाए कई लोग आपके पास भी आए थे अपनी समस्या या उनका क्या कहना है? लोगों का यही कहना है कि विकासक हमारे साथ बैठे, हमारी जो मांगे है वो विकासक ने कंप्लीट करनी चाहिए। लोगों को कहाँ घर देने वाले वो भी पता नहीं है, और ऑल ऑफ अ सडन आप आके जोर जबरदस्ती से सर्वे कर रहे हैं कि कोई बहुत सारे जनों ने वहाँ पे सर्वे मीन्स किया भी नहीं है लोगों को, नहीं, और लोगों को जबरदस्ती रात के 11 साढ़े 11 बजे तक सर्वे होते हैं। लोग ये लोग जो ज्ञानेश्वर नगर में जो लोग रहते हैं ना, वो सवेरे काम करने वाले, कोई झाड़ू मारने वाला है, कोई पोछा लगाने वाले हैं, ये वो दिन भर काम करके फिर बाद में वहां पे जाने के बाद रात में भी मीन्स दिन में भी वो रात भर जगे रहते कि कोई तो भी आएगा सर्वे करके चला जाएगा और हमारा जो घर है वो हड़पेगा, यही उनको डर लगता है। इसके वजह से वो 2-4 महीने हो गए अब तक मीन्स रात प्रॉपर ऐसी नींद भी नहीं मिली है उनको। मैं जहाँ तक जो एलिगेशन को लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव आपके अगेंस्ट चलाया जा रहा है आपकी छवि को खत्म करने के लिए, तो ये किनके द्वारा ये सब ऐसा चलाया जा रहा है? एलिगेशन के शाल से वो भी नहीं बस किस बारे में मिस आपको कौन से हाँ पैसा लेके या जो भी आपको मत तो नाइन में भाजपा ने के भाजपा को पलटा ताकि शिवसेने जिथून 2019 मध्ये मला उमेदवारी नाकारली त्यामुळे मी अपक्ष उभी राहिली। अपक्ष उभे राहिल्यानंतर मग जी 24,000 मतं आहेत त्या मतदारांसाठी आपल्याला काम करायचं आहे, यासाठी मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये 2021 मध्ये प्रवेश केला। तिथेही मी याच प्रकारे काम केलं, आजही माझा त्या पक्षामध्ये नाव आहे आणि सर्वेमध्ये पण माझंच नाव आहे, माझंच नाव आहे। आणि जेव्हा 2024 ला जेव्हा उमेदवारी देण्यात आली तेव्हा युतीमध्ये असल्यामुळे ती जिशान तिथे स्थानिक असल्यामुळे त्याला उमेदवारी देण्यात आली। जिशानचे निगडीत एक प्रश्न असा चर्चा आपल्यावरती आरोप केला जात होता की आपण प्रत्येक संदर्भात उमेदवारी हे जे बोलतायत ना ते साफ खोटं आहे। आणि या जे जिशान बरोबर काही समजोता झालेला नाही आहे। जिशान जेव्हा ही जी मीटिंग झालेली होती ती तेव्हा मी पार्टीत होते, ही रविवारी 26 का 27 तारीखला मीटिंग होती, त्या मीटिंगमध्ये। आणि हा जो अर्ज भरलाय मी तो 29 तारीखला भरलेला आहे। मग पार्टीचा प्रोटोकॉल प्रमाणे जी कोर कमिटीची मीटिंग आहे त्या मीटिंगला मी अपेक्षित होते आणि मी गेलेली आहे, त्यात गैर काय आहे? आपल्याला मनसेची उमेदवारी मिळाली म्हणून मनसेचे काही नेते नाराज? मी तर मला तर असं वाटत नाही, जर कोण असेल तर त्यांनी बोला हो। शेवटचा प्रश्न आहे की आता तिरंगी लढत आहे, काय वाटतो, किती विश्वास आहे? नक्कीच मला माझ्या कामांवरती विश्वास आहे, राज साहेबांवरती विश्वास आहे। जे काम आम्ही तेव्हा केलेलं होतं तेच काम आम्ही आत्ताही करू आणि लोकांचा विश्वास आहे। मेन म्हणजे लोकांनी लोकांच्या आग्रहास्तव आम्ही ही उमेदवारी घेतलेली आहे। लोकांनी सांगितलं ताई तुम्ही 5 वर्ष आता युतीमध्ये असल्यामुळे प्रत्येक वेळ लोक मला बोलत होते की बाबा काय करणार ताई, तुम्ही काय करताय, तर तुम्ही अपक्ष पुन्हा उभे राहणार? तर मी म्हटलं अपक्ष उभे नाही राहणार आहे, तर मग ताई आता काय करायचं, आता आम्ही वोटिंग कसं काय करायचं? तर मग म्हटल्या की तेव्हा मग हीच लोक राजसाहेबांकडे गेली आणि त्यांनी त्यांना सांगितलं की बाबा आम्हाला असं असं उमेदवार आहे आमच्याकडे, पण त्यांना आता उमेदवारी नाकारली गेलेली आहे। तर राजसाहेबांनी त्याचा विचार केला आणि त्याच्यानंतर मग मला विचारण्यात आलं की आपण लढण्यासाठी इच्छुक आहात का? म्हटलं हो इच्छुक तर आहे मी, पण मला उमेदवारी नाकारली गेलेली आहे। तर ते म्हणाले की तुम्ही या माझ्या पक्षातून उमेदवारी घ्याल का? म्हटलं ठीक आहे, जर आज लोकांची लोकांचा आग्रह आहे तर आपण नक्कीच याच्याबद्दल विचार करू, असं बोल। लोकांना हाच एक मेसेज आहे, जो बाळासाहेबांनी काम केलेलं आहे तेच काम माझं पण आहे आणि लोकांनी ते बघितलेलं आहे। जो लोकांचा विश्वास आहे की त्या 2019 ला जेव्हा मी निवडून अपक्ष म्हणून 24,000 मतं घेतलेली आहे, तो जो तो विश्वास दाखवलेला आहे आणि तो कुठेतरी म्हणजे हे
तो विश्वास तसाच कायम राहील आणि तसंच मी काम आज पुढेही या पुढेही करीन.